हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग द अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें। ये मेरा फोर्थ वीडियो है, थ्री वीडियो इनवेला पावर एवोल्यूट्स पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो दिया है उसी को लेकर मैं चलता हूँ। तो हमारे पास क्या है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे पैरामीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक, चाहे इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो अल्फा है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्लीज़ देखिए, ध्यान, लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पैरामीटर है और उसी को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक, और वाई स्क्वायर का भी जीरो होगा, ठीक, और माइनस ऑफ टू ए एक्स का क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस टू ए एक्स जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर चला आएगा, और कास अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इसका करूँगा तो यहाँ पे तो माइनस और टू ए वाई क्या है कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और साइन अल्फा का क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा होगा, ठीक, और सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखिए क्या आता है, हम इसको लिख सकते हैं कि टू ए एक्स साइन ऑफ अल्फा, फिर से लिख सकते हैं कि माइनस टू ए वाई कॉस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन नंबर वन है आप देख लीजिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, तो लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, तो लिखेंगे इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, प्लीज़ ध्यान से देखिए, लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सी स्क्वायर को इस साइड ले ले रहा हूँ, तो लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू, और इन सब को उस साइड भेजेंगे, ठीक। तो लिख सकते हैं कि टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा, फिर से प्लस टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन वन है उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं बताऊँगा तो अभी बोलूँगा स्क्वायर करिए और ऐड करिए तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा, यही इसको इस साइड, मतलब ये आर एच एस में है तो इसको एल एच एस में कर देंगे, और ये एल एच एस में है तो आर एच एस में कर देंगे, ठीक। तो प्लस टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन टू है और जो इक्वेशन थ्री है, ठीक, उसका क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा और एडिंग करूँगा, ठीक है ना, तो वही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप देगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर उसी को एडिशन कर देंगे, तो लिखेंगे एंड एडिंग वी गेट, देखिए हमारे पास क्या मिलता है। तो पहले मैं इक्वेशन सेकेंड का क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, ठीक। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है कि टू ए एक्स साइन ऑफ अल्फा माइनस टू ए वाई कॉस ऑफ अल्फा का स्क्वायर करूँगा, तो हमारे पास देखिए क्या मिलता है, मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि फोर
अरे ए इसको ए कंसीडर कर रहा हूँ, इसको बी कंसीडर कर रहा हूँ, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दे रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ। तो फोर ए स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे होगा फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, और फिर से क्या होता है माइनस टू, और ए की वैल्यू क्या है टू ए एक्स साइन अल्फा, और बी की वैल्यू क्या है ये है मतलब माइनस टू ए वाई कॉस ऑफ अल्फा है, ठीक, और जीरो का स्क्वायर क्या होगा अल्टीमेटली जीरो ही होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन थ्री का स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वेशन थ्री हमारे पास क्या है, हमारे पास यह है कि यही है, देख लीजिए आप, ठीक। तो मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो इसको लिखूँगा कि नाउ मैं लिख सकता हूँ कि टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा फिर प्लस टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक। इसका क्या करूँगा होल स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, और फिर इसको क्या करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो दोनों साइड करेंगे ना, माइनस ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं ए कंसीडर करूँगा और बी कंसीडर करूँगा, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारे पास क्या होगा फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं प्लस टू ए इंटू बी, तो टू ए एक्स कॉस ऑफ अल्फा, ठीक, फिर से टू ए वाई साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, और इसको मैं वैसे ही किया वैसे ही रख दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक, माइनस ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन टू का स्क्वायरिंग कर दिए तो ये आया है, और इक्वेशन थ्री का स्क्वायरिंग किए हैं तो ये आया है, तो अब मैं क्या करूँगा सिंपली दोनों को ऐड करूँगा, तो जो आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है और फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है ना, तो मैं फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचे इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ना करके थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब ईजी है आप कर सकते हैं, तो फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है फोर ए स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ पे फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, ठीक। तो फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे अल्फा है और फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो मैं क्या करूँगा कि फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो क्या लिखूँगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, ठीक है। अब आपको दिखा दें कि यहाँ पे माइनस टू टाइम ऑफ ब्रैकेट में टू ए एक्स साइन अल्फा फिर से प्लस टू टाइम ऑफ टू ए एक्स का मतलब ये अपोजिट साइन का है, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको लिख सकता हूँ, अब इसका एडिशन करूँगा ना, तो इसको लिख सकता हूँ जीरो प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि इसकी वैल्यू वन होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है वन होती है, तो उसकी वैल्यू वन होती है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा कि फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, और क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है फोर ए स्क्वायर इसमें भी है और फोर ए स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा कि फोर ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड इन्वेलप होगा, तो हम लिखेंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड इन्वेलप, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इन्वेलप। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वेलप ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो क्या है एक्स कॉसेक थीटा माइनस वाई कॉट थीटा इक्व टू सी, जहाँ पे थीटा क्या है पैरामीटर है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेकेंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो दिया है उसी को लेके मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या लिखूँगा कि गिवन दैट क्या है एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा थीटा, थीटा पैरामीटर बोला है ना, तो मैं क्या लिखा हूँ थीटा लिखा हूँ और इज इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकता हूँ जो कि क्वेश्चन है एक्स कॉसेक थीटा माइनस वाई कॉट
थीटा इक्वल्स टू सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि जो इक्वेशन नंबर वन है उसको मैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, दैट इज थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से देखें कि लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली, ठीक, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कॉसेक थीटा का क्या होता है, माइनस हाफ कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो एक्स तो बाहर आ जाएगा और कॉसेक थीटा का क्या होगा, माइनस, तो माइनस हाफ कॉसेक थीटा का होता है माइनस हाफ कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। और फिर से माइनस, और वाई क्या है, वाई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो वाई तो बाहर चला आएगा और कॉट थीटा का होता है माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और सी का क्या होगा, जीरो होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना चाहिए, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे मैं किया हूँ, ठीक। तो मैं क्या किया हूँ कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू लिखा हूँ माइनस ऑफ कॉसेक थीटा कॉट थीटा जो कि होता है, ठीक। और मैं क्या किया हूँ, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन यूज किया हूँ, क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, यही मैं यूज किया हूँ। तो ये लाइन लिखा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इस टर्म को उस साइड भेजेंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, देख लीजिए, हमारे पास होगा वाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स कॉसेक थीटा और कॉट ऑफ थीटा होगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कट करूँगा, यहाँ से इसको कट करूँगा तो हमारे पास मिलेगा कि वाई कॉसेक थीटा, यहाँ पे दो बार है ना, तो एक बचेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स ऑफ कॉट इंटू थीटा, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस साइड बुलाएंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा कि वाई कॉसेक थीटा माइनस एक्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू जीरो, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर करता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन वन है, ठीक, और जो इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पे निकाला हूँ उसका क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, स्क्वायरिंग करूँगा, उसके बाद से फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगा। इससे पहले अभी जो क्वेश्चन कराया है उसमें मैं क्या किया था, कुछ ऐसा कंडीशन था जिसमें मुझे प्लस करना था, जहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे वो हमारा इनवेलप मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग इक्वेशन, आप इक्वेशन वन देख लीजिए, इक्वेशन वन एंड सेकेंड, फिर से एंड सब्ट्रैक्टिंग, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, तो हमें कुछ मिलेगा, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन वन का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, यही था, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स कॉसेक थीटा माइनस वाई ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप ए कंसीडर करिए, बी कंसीडर करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपली खोल दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है, एक्स कॉसेक थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है, वाई ऑफ कॉट ऑफ थीटा, ठीक। और यहाँ पे सी स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये तो इक्वेशन वन पे किया हूँ, अब मैं इक्वेशन सेकेंड जो यहाँ पे कंसीडर किया हूँ, जो निकाला हूँ, उसको स्क्वायरिंग करूँगा, ठीक है ना। तो उसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलेगा, मैं आपको कर दे रहा हूँ, वाई कॉसेक थीटा माइनस एक्स ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो मैं इसको ओपन करूँगा सिंपली, इसको ए कंसीडर करके, इसको बी कंसीडर करके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं लिखा हूँ ना, तो हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, माइनस टू, और क्या होगा ए की वैल्यू, ये भी होता है ना, कॉसेक थीटा, फिर बी की वैल्यू एक्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सब्ट्रैक्ट करूँ, नाउ सब्ट्रैक्ट एस यू वी टी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कि आप देख लीजिए, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन, फिर से माइनस टू एक्स ऑफ कॉसेक
थीटा फिर वाई हाफ कॉट थीटा, ठीक कॉट थीटा ये क्या था, इक्वेशन वन था। अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर होगा। इसको अब लिखेंगे वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर से प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ये हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस टू टाइम हाफ वाई कोसेक थीटा, फिर से एक्स हाफ कॉट ऑफ थीटा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो अल्टीमेटली सी स्क्वायर बचेगा, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि हाँ ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, अब आप सिंपली क्या करें कि ध्यान से देखिए, तो ये जो है निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन लूँगा, तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ब्रैकेट में रहेगा, और मैं क्या किया हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक। मैं यहाँ पे प्लस करूँगा वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर निकालूंगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बहुत ईजी है, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे तो सी स्क्वायर ही होगा, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला हमारा मिल जाएगा, वही मैं क्या किया हूँ लिखा हूँ, ठीक है ना। अब आप क्या करिए कि अब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ पे आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और मैं ब्रैकेट में लिखूँगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इक्वल टू सी स्क्वायर, उससे पहले आपको एक रिजल्ट बता दे रहा हूँ कि हमको पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वन होगा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन ही होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जो कि मेरा रिक्वायर्ड इन्वेलप होगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहा है, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ऐसे ही मैं नए वीडियो लाता रहता हूँ, विच इज़ रिक्वायर्ड इन्वेलप। Thank you so much for watching the video.